Students, today we will start exercise 7.5. In this exercise, we have to differentiate the functions which are implicit. So first of all, we should know what is implicit function. Okay, implicit function से पहले हमें करना implicit equation क्या होती है. Implicit equation होती है an equation of the form f of x y is equals to 0 in which y cannot be expressed डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ एक्स. क्या कह रहा है ये कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व होंगे लेकिन वाई को हम डायरेक्टली एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, उनको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशन. ओके, इसके लिए आप ऐसे भी ले सकते हो कि जैसे हम लिखते हैं वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स. तो इन वाले एग्जांपल्स में आप क्या कर रहे हो, y को डायरेक्टली एक्सप्रेस कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ x. बट ऐसी इक्वेशन जिसमें आप इस तरह से नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो उन वाली इक्वेशंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशन. फॉर एग्जांपल एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो. यहाँ पर इस फंक्शन में क्या है, x और y दोनों इन्वॉल्व हैं लेकिन हम y को डायरेक्टली x की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे. आप ट्राई कर सकते हो. सिमिलरली कॉज वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉज ऑफ ए प्लस वाई एंड कॉज स्क्वायर एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू पाई. ये सारी तीनों की तीन फॉर्म कैसी हैं, इम्प्लिसिट इक्वेशन है. इसमें वाई को आप डायरेक्टली एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. और इस पूरे फंक्शन, ऐसी इक्वेशन जो इम्प्लिसिट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस. तो इस एक्सरसाइज में हमें इस टाइप के फंक्शंस को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. तो आपके पास एक्सरसाइज 7.5 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ दिस इक्वेशन इज गिवन टू यू. मीन्स इम्प्लिसिट इक्वेशन इज गिवन टू यू और आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स. बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये. इसमें आपने पहले स्टेटमेंट लिखी, आफ्टर दैट यू विल राइट डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन with respect to x. So it will be, क्या है, a constant है, derivative of x square is 2x, so it will be 2ax plus 2h. अब आपको यहां ये ध्यान रखना है कि x और y ये क्या है, फंक्शंस है दो. तो यहां पर आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, x as it is, y का डेरिवेटिव कितना होता है आपको पता है, dy by dx प्लस नाउ वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन, सो यू नो नीड टू राइट इट. प्लस बी इज कॉन्स्टेंट, यू विल राइट इट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, मीन्स टू वाई और इंटू में वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू जी, एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस टू एफ वाई का डेरिवेटिव वन और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एंड प्लस सी कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो. इसमें ए बी सी एच एक्स जी एफ सी ये सारे क्या है, कॉन्स्टेंट है. तो अब आपको क्या करना है, वाई वाई वाली डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स कंबाइन करनी है. तो देखो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और आप देख रहे हो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म इसमें भी टू है, इसमें भी टू है और इसमें भी टू. तो हमने क्या किया, यहां पर टू सब में से क्या ले लिया है, कॉमन. सो ये कितना हो जाएगा आपके पास, एच एक्स डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस एफ डी वाई बाई डी एक्स. अब विदाउट वाई वाली टर्म्स लिख लीजिए, सॉरी विदाउट डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज यहाँ पर भी टू है जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर भी टू और यहाँ, तो मैंने फिर से टू कॉमन ले लिया है. इट इज ए एक्स प्लस एच वाई एंड प्लस जी इज इक्वल्स टू जीरो. अब आप क्या करोगे, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स ले लीजिए कॉमन, ये आपका टू एंड डी वाई बाई डी एक्स. वट इज लेफ्ट हैंड साइड, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस टू इंटू ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी. अब ये उसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ चुका है, माइनस टू और टू से टू यहाँ पर डायरेक्टली कैंसिल कर दीजिए, तो इट विल बी माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ. सिंपल. तो ये आपका आंसर आ चुका है.
नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट. आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन. यहाँ से आपको डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है. तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो टू एक्स ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है प्लस वन बाई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इंटू में टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. तो आप यहाँ से टू 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 कॉमन ले लोगे तो ये आपके पास आने वाला है टू वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर, टू से टू कैंसिल हो जाएगा और यू कैन से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई. सिंपल है. इसमें आप क्या करोगे, फिर से डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो यहाँ पर प्रोडक्ट टू लगेगा, एक फंक्शन ये है कि एक्स एज इट इज वाई क्यूब का डेरिवेटिव थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव वन आ चुका है माइनस. अब फिर से यहाँ प्रोडक्ट टू लगाएंगे वाई एज इट इज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एज इट इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव वन हो चुका. अब फिर से आप क्या करोगे, डीवाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं. देखो डायरेक्ट कर रहे हैं हम, डीवाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा थ्री एक्स वाई स्क्वायर और इसका साइन कितना हो जाएगा माइनस. सो दिस इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब. अब विदाउट डीवाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स राइट कर लीजिए, माइनस थ्री वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, इनको उधर ले जाएंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा. और साथ के साथ यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं आप. आपने क्या किया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, अंदर क्या लेफ्ट हुआ थ्री वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू और ये वन है वन माइनस वाई क्यूब एंड प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई. तो ये नेक्स्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस, यहाँ से आप लेने के लिए लेना चाहो तो वाई कॉमन भी ले सकते हो. तो जब आप यहाँ से वाई कॉमन लोगे तो वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स इंटू थ्री वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट इज फाइंड डिवाइड बाय डी एक्स. देखो फंक्शन की पावर एन है तो क्या रूल है, कैसे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू विल राइट टू इंटू एक्स रेज़ टू द पावर एन वाला फॉर्मूला, टू माइनस वन मीन्स वन और इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करोगे ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये आएगा आपके पास टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. अब देखो सारी टर्म्स में टू है तो वो कॉमन आकर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अब डेरिवेटिव लेना है अभी हमें, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ से टू कॉमन ले लीजिए, दिस इज ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला टू इस टू से कैंसिल हो चुका. अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म हम सेपरेट कर लेते, जब इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई इट विल बी टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आएगी आपके पास टर्म. नहीं रहने दो इसको डायरेक्ट, पहले इसको इसके साथ करेंगे तो इट इज टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस टू वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स. फिर ये डी वाई बाई डी एक्स टर्म लेफ्ट में लेकर आएंगे, इट विल बी प्लस बी स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स. नाउ टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, यू आर लेफ्ट विद टू वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स माइनस दिस इज 2x into x square plus y square. So next dy by dx will be equals to, देखो यहाँ से आप x common ले सकते हो, so it will be a square minus, x common ले लिया तो minus 2x square and minus 2y square upon, यहाँ से आप क्या common ले सकते हो y,
सो टेकिंग वाई कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, जब आपने वाई यहाँ से कॉमन लिया, इट विल बी टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू वाई स्क्वेयर एंड प्लस बी स्क्वेयर. सिंपल है, वेरी इजी. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डीवाई बाई डी एक्स एट 4.5. बहुत इजी है. आपको क्या करना है, इस इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको पता है अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स इन एंड प्लस अंडर रूट वाई का 1/2 अंडर रूट वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको लेफ्ट राइट में लेकर जाएंगे, इट विल बी 1/2 अंडर रूट वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स. अब 2 से 2 कैंसिल और यू कैन से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स. बट आपको कहाँ निकालना है, एक्स इज इक्वल्स टू 4 और वाई इज इक्वल्स टू 9 पर. तो ये जब आप पॉइंट यहाँ पर पुट करेंगे, इट विल बी अंडर रूट 9 बाई अंडर रूट 4. सो दिस इज 3/2. तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 3/2 आंसर आ चुका है. ओके, थैंक यू.